नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी एक एपीएस संचालक हैं या सीएससी का काम करते हैं या आधार सेंटर आप चलाते हैं, दोस्तों कहीं भी आप काम करते हैं, यदि आपके काम में आपके बिजनेस में फिंगरप्रिंट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टेक 11 को लेकर के दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था जिसमें आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे जो स्टार्टेक 11 डिवाइस है उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई हैं। मैंने दोस्तों वहां पे एक वीडियो भी आपको शेयर किया हुआ था जो मेरे पास वीडियो आया हुआ था। देखिए यहां पे दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव सारे पहलुओं को हमें समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग डिवाइस के माध्यम से बैंकिंग का काम करते हैं, ये बहुत ही सिक्योरिटी वाला काम होता है। अगर डिवाइस गड़बड़ निकल जाती है दोस्तों तो ऐसे में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं दोस्तों वहां पे जो मेरे पास ईमेल आया हुआ था, जो वीडियो का प्रूफ आया हुआ था, मैंने आपको उसको भी दिखाया था। काफी लोगों ने मेरे पास कमेंट भी किया हुआ था कि सर अगर आप ऐसे वीडियो को शेयर करेंगे तो काफी ज्यादा फ्रॉड बढ़ जाएगा। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलुओं पे चर्चा करना चाहते हैं, हम सच को सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 डिवाइस, अगर L0 या 11 कोई सा भी डिवाइस अगर किसी तरीके से फॉल्ट हो जाती है तो आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वो बदनाम हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे उस वीडियो को भी आपके साथ साझा किए थे, लेकिन आज जो यहाँ पे दोस्तों वीडियो मेरे पास आया हुआ है, जो मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई हुई है, ये दोस्तों स्टार्टेक 11 यानी कि स्टार्टेक कंपनी की तरफ से ही मेरे पास ये ईमेल आया हुआ है। ये आपका जो स्टार्टेक डिवाइस 11 है किस हद तक ये सही काम करती है, किस हद तक ये गलत काम करती है, यानी कि फ्रॉड होने के चांसेस इस डिवाइस से हैं कि नहीं, सारा कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लियर फाई हो जाएगा। तो आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको किसी भी चैनल पे मिल नहीं पाएगी। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो ईमेल आया है वो भी दिखाऊंगा, जो वीडियो आया है दोस्तों उसके विषय में भी आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि ACPL के FM 220U11 डिवाइस की सुरक्षा और सहयोग का निमंत्रण, ठीक है ना। अच्छा नीचे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रिय ज्वाइन टेक वन, यानी मेरे चैनल का यहाँ पे नाम लिया गया है। आगे कहा गया है कि मैं एक्सेस कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ACPL ना की ओर से आपसे संपर्क कर रहा हूं, हाल ही में हमारे FM 220U11 ऑप्टिकल स्कैनर की सुरक्षा को लेकर कुछ भ्रामक दावे किए गए हैं, ठीक है ना। देखिए जो लीगल बातें हैं वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। आपको जो भी टिप्पणी करना है दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइस को लेकर के जो भ्रांतियां आई हुई थी वो भी मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो सफाई दी गई है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए आगे कहा गया है, इन दावों के जवाब में हम आपको हमारे डिवाइस की सुरक्षा के बारे में सटीक जानकारी और इसके परीक्षण के परिणाम साझा करना चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए क्या कहा गया है, यहां पे कहा गया हमारे FM 220U11 डिवाइस में एक कंपोजिट प्रिज्म और लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा आगे कहा गया है, जो इसे अन्य डिवाइसों से अलग बनाता है, ठीक है। इस उन्नत डिजाइन के कारण किसी भी छेड़छाड़ के प्रयास से फिंगरप्रिंट छवियों में विकृति आ जाती है, ठीक है, जिसे हमारा डिवाइस आसानी से पहचान सकता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि अगर कहीं कोई फॉल्ट आता है, जैसा मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया हुआ था, ठीक है ना, कि एक मतलब कागज पे प्रिंट ले लिया गया था, उसको यहाँ पे स्कैन कर लिया गया था, ये सक्सेसफुल हो भी गया था, ठीक है ना, वैसा वहां पे दिखाया गया था। लेकिन कंपनी का कहना यह है कि लीगल क्या है अनलीगल क्या है, यह डिवाइस आसानी से पहचान लेता है, मतलब अगर आप फिंगर लगाते हैं तो ये कैच कर लेगा, यदि आप कागज पे लगा हुआ फिंगर लगाएंगे तो ये पहचान नहीं पाएगा, मतलब उसे यह रिजेक्ट कर देगा।
आगे देखिए क्या कहा गया है। हमारे FM 220 U11 डिवाइस ने व्यापक परीक्षणों में यह साबित किया है कि यह छेड़छाड़ की गई फिंगरप्रिंट छवियों और स्पूफिंग के माध्यम से डाले गए किसी भी छवि के बीच अंतर कर सकता है, ठीक है ना। यह डिवाइस सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। इतना ही नहीं, अभी थोड़ा से आप आगे भी देखिए, कहा गया हम चाहते हैं कि आप हमारे इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने दर्शकों के साथ साझा करने में हमारी मदद करें, ठीक है, ताकि लोग प्रमाणित और सुरक्षित बायोमेट्रिक तकनीक के महत्व को समझ सके। हमने कुछ वीडियो भी तैयार किए हैं जिनमें FM 220 U11 डिवाइस के प्रदर्शन को दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने हमारे पास परीक्षण किया हुआ 3 वीडियो भी यहाँ पे भेजा है, जो कि आप लोग इसको देख करके आसानी से जजमेंट कर सकते हैं कि स्टार्टेक L1 जो डिवाइस है वो सही है कि गलत है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक वीडियो यहाँ पे है, एक वीडियो यहाँ पे है, एक वीडियो यहाँ पे है, मतलब 3 वीडियो टोटल यहाँ पे इन्होंने सेंड किया हुआ है। ये वीडियो दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के इस डिवाइस के विषय में आसानी से देख लीजिए लीगल क्या है अनलीगल क्या है, ठीक है ना। आप दोस्तों यहाँ पे डिवाइस से काम करते हैं तो डिवाइस की सत्यता को प्रमाणित करना भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपके ऊपर कभी भी लांछन लगा सकता है। यदि आप इस ऐसे वीडियो को चाहें तो डाउनलोड करके अपने पास रख लें, ऐसे लोगों को दिखाने में आप सहयोग ले सकते हैं, ठीक है। आगे कहा गया है हम आपके सहयोग की सराहना करेंगे और यदि आपके कोई सवाल हो या आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें अवश्य बताएं। हम हमेशा पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हमारे डिवाइस के प्रदर्शन का लाइव डेमो भी देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, कंपनी जो है स्टार्टेक की यहाँ पे लाइव डेमो देने के लिए भी तैयार है। साथ ही साथ यहाँ पे 3-3 वीडियो, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 वीडियो यहाँ पे स्टार्टेक कंपनी ने प्रोवाइड किया है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूं, आप जाकर के वहां पे इन वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको जो वीडियो इसके पहले प्रोवाइड किया हुआ था उसको भी आप लोग जाकर के अवश्य देख लीजिए। अगर दोस्तों किसी तरीके से कोई मैचिंग मिसमैचिंग होती है तो निश्चित ही आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन आई एम श्योर कि दोस्तों यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग तरीके से वीडियो को शूट करके यहां पे लोगों को भ्रमित करते हैं। हालांकि देखिए मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था वो भी दोस्तों मेरे पास ईमेल के माध्यम से किसी ने उसका बृहद परीक्षण किया हुआ था और दिखाया था। अब ना जाने कि वो आपका बहुत ज्यादा सही तरीके से वीडियो बनाया गया था या कहीं से उसमें कोई फॉल्ट किया गया था, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। मैंने आपको संपूर्ण वीडियो वहां पे दिखाया था, जो भी है उसको आप लोगों ने भी देखा था। लेकिन यहां पे दोस्तों जो कंपनी की तरफ से यहां पे लीगल मैसेज आया हुआ है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये जो वीडियो है नीचे मैंने कहा कि लिंक में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अच्छा कुछ यहां पे दोस्तों इन्होंने नोट्स भी मेरे पास प्रोवाइड किए हैं जो कि यहां पे स्टार्टेक L1 डिवाइस की प्रमाणिकता को सत्यापित करता है। उसको दोस्तों मैं आप लोगों को दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर जाकर के आप लोग उसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। आप लोग कहेंगे कि आपने इसके पहले जो दिया हुआ था वो गलत था तो इसको आप क्यों दे रहे हैं, या वो आप गलत वीडियो को क्यों डाले थे। दोस्तों मैं आपको कह चुका हूं कि मैं सत्यता को आपके सामने लाना चाहता हूं। अगर वो वीडियो आया था तो उसको मैंने दिया था, अगर ये आपका इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से यहां पर आया हुआ है तो ये भी मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले भी कह दिया कि बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो कि यहां पर डिवाइस की सत्यता पर सवाल खड़ा करते हैं, तो इसलिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से समझते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऐसी वीडियो को दिखाने से बहुत ज्यादा फ्रॉड होगा। मेरे भाई कंपनी का दावा है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस आप अपनाओगे तो वहां पे बिल्कुल भी स्कैन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो भी दावे हैं दोस्तों उसे यहाँ पे कंपनी टोटल नकार देती है। तो ये है सत्यता इस डिवाइस की। आप लोग अगर इस डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो डिवाइस के परीक्षण के लिए यहाँ पे दिया गया है वीडियो, उसको देख लीजिए, डिवाइस एकदम सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आई हुई है। हाँ मंत्रा L1 में दोस्तों कुछ फॉल्ट दिखाई दिया है, उसके लिए यहाँ पे UIDAI ने
उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए वापस कंपनी को आदेश कर दिया है। तो इस तरीके से आपकी डिवाइस स्टार्टेक 11 बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सब कुछ यहां पे सत्यता के लिए आपको बता भी दिया है, दिखा भी दिया है, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स आप लोग टेलीग्राम से भी जाकर के देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको दोस्तों यहां पे स्टार्टेक 11 डिवाइस को लेकर के किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में दोस्तों इसको शेयर करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा, क्योंकि L1 स्टार्टेक डिवाइस को लेकर के एक बहुत बड़ी यहां पे गाइडलाइन ये दी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।